हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम बात करने जाने वाले हैं कि हम जीआई फिटिंग को, जो हमारे घर में पुराने समय की जीआई फिटिंग लगी हुई है, उस जीआई फिटिंग्स को यूपीवीसी या सीपीवीसी फिटिंग्स में किस तरह कन्वर्ट करें। तो हम इस वीडियो में आज वह जानने वाले हैं कि कौन सी ट्रिक है उससे जो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो एल्बो लगा हुआ है और ये टी है, ये जी आई है, और ये जो पाइप्स है ये भी जी आई है, और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये यू सी पी वी सी का एक एफ टी है और एक एम टी है, जो ये पाइप है हमने इसे लेके आ चुके हैं, और ये यू पी वी सी का एक एम टी है और एक एफ टी है, जो कि हम इनसे भी लेके आ चुके हैं। और आज हम बताने वाले हैं कि आप इस फिटिंग्स में किस तरह से इसे जी आई फिटिंग को यू पी वी सी फिटिंग और यू पी वी सी फिटिंग को सी पी वी सी फिटिंग में किस तरह कन्वर्ट करें। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये आधा इंच का पाइप है जीआई का, और ये भी आधा इंच का यूपीवीसी पाइप है, और ये पौन इंच का सीपीवीसी पाइप है। तो हम इन फिटिंग्स को किस तरह एक मेक में चेंज करें, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसे किस तरह से आपको एक्सचेंज करना है। इस तरह से आपके घर में ये पुराने समय से फिटिंग लगी हुई है, और ये इसमें लगी हुई है इस तरह से, और इसे आपने, आप फिटिंग नहीं मिल रही है तो आप क्या करना है, आपको इसे निकाल देना है। और ये अगर यूपीवीसी में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये यूपीवीसी का हमने पौन इंच का, पौन बाई आधे का हमने ये एफ टी लेके आ चुका है, जो कि कुछ इस तरह है, जो कि एफ टी ब्रास, अंदर में ब्रास है, और इसे आपको इस टेप्लॉन टेप से, ये जो टेप्लॉन टेप है, हम इसे डेमो करके दिखा रहे हैं तो हम इसमें टेप्लॉन टेप नहीं लगा पा रहे, बट आप अगर इसे लगाते हैं तो इसमें टेप्लॉन टेप लगा लीजिए और इसे इसमें फिक्स कर दीजिए इस तरह से। इस तरह से आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है जी आई फिटिंग से सी पी वी सी फिटिंग में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो पाइप्स है, इस पाइप्स को लगाने से पहले आपने ये सॉल्वेंट्स को, इस सॉल्वेंट्स को निकाल के इस पाइप में और इस एफ टी ब्रास में अंदर की ओर लगा लेना है, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम भविष्य में कभी ना हो, और इसे जम के प्रेस कर देना है ताकि यह डबल खुले ना और लीकेज ना हो। इस तरह से आप इस फिटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। ये हुई जीआई फिटिंग से सीपीवीसी फिटिंग में इसे किस तरह कन्वर्ट करें। और अगर आप पौन इंच से आधा इंच में यूपीवीसी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये किस तरह करें, ये भी हम इस वीडियो में बता देते हैं आपको। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये इस तरह से अगर आप इसे फिट करना चाहते हैं तो आप इस पाइप को लेके आ जाइए, जो कि कुछ इस तरह होगा। ये पौन इंच का सीपीवीसी पाइप है। इस सीपीवीसी पाइप में आपको इस तरह की एक एफटी ब्रास की ज़रूरत होगी। इस पाइप्स को आप लेके आ सकते हैं, इस एफटी ब्रास को लेके आ सकते हैं, और इस पाइप को, और इस पाइप में इसे लगाते हुए सॉल्वेंट लगा के जब भी आप किसी इस तरह के काम करें तो आप सॉल्वेंट्स को ज़रूर लगाएं, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम कभी भविष्य में दोबारा ना हो। और इस तरह से आप इसे लगा दीजिए, और आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यूपीवीसी का एक एमटी ब्रास है, जो कि आधा बाई आधे का है, हमने इसे इस तरह लेके आ गया है। और ये जो आपको एफटी ब्रास दिखाई दे रहा है, एक बाई पौन का, आधे बाई पौन का, इसमें आपको इस तरह लगा देना है। इस तरह से आपको इसमें फिक्स कर देना है, और इस पाइप को सॉल्वेंट लगाते हुए इसमें यहाँ इस तरह लगा देना है, और ये इस तरह से सीपीवीसी यूपीवीसी को कन्वर्ट करने की ट्रिक भी क्लियर हो गई। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में समझा कि हम इस फिटिंग्स को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह की आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।